हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुला चौथ या भादवा की चौथ व्रत की कहानी सुनेंगे। पूजा का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अब हम इसकी कथा सुन लेंगे। तो आप एक लोटा जल ले लीजिएगा और हाथ में आप कुछ दाने ज़रूर ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली, वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज़ गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ, यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन ने पूछा, बहू तुम क्या खा कर आई हो? बहू ने फिर से वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खा कर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि माँ बासी रोटी ठंडी रोटी खा कर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही है? तब वह विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत करने लगी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुला लेना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में आकर बोली कि तू अब घर चल जा, तेरी पत्नी को तेरा बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया, उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जाकर रहा था तो उसे रस्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्त होने जा रहा था और तूने मुझे सिसकार दिया, अब मैं तुझे डस लूँगा। वह बोला कि 12 वर्ष बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए, आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूलमाला बिखेर दिया, चौथी पर इत्र छिड़क दिया और पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसीलिए डसना पड़ेगा। फिर हुआ है फूलमाला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो इसे देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सेल बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जो सेल बनाई थी उसे सांप की मौत हो गई।
सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा हुआ था, इसीलिए बोला ही नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ी पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वह चिल्लाने रोने चीखने लगी, ब्राह्मण आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह सब मेरे चौथ माता के व्रत का ही फल है। चौथ माता जैसे फल ब्राह्मणी की बेटी को दिया, वैसे ही सभी को देना, कहानी कहने वालों को देना, सुनने वालों को देना, हुंकारे भरने वालों को देना। कहानी सुनने के बाद ये दाने हम जो है अपने लोटे में डाल देंगे और इससे हम चंद्रमा को अर्क देंगे, और इसी लोटे में आप थोड़ा सा दूध भी डाल लें। चंद्रमा को आज के दिन जब आप अर्क देंगे तो थोड़ा दूध भी आपको उसमें डाल लेना है। चंद्रमा का पूजन करें, उनको अर्क दें, तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप बहुला चौथ व्रत की पूजा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह की तीज त्यौहार से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। राधे राधे।